मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। चक्रवाती तूफान फैनी शनिवार को पश्चिम बंगाल पहुंचकर कमजोर पड़ गया और अब ये 60 से 70 किलोमीटर के प्रति घंटे के रफ्तार से चल रहा है, मगर शुक्रवार की सुबह जब ये फैनी तूफान उड़ीसा के तट से टकराया था तब इसकी रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से थी। मगर जो इस फैनी तूफान की कहर बरपाने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं, इस तूफान से उड़ीसा में 10 लोगों की मौत हो चुकी है तो वहीं 160 लोग घायल हैं। मगर तूफान आने का अंदेशा होते ही करीब 12 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया था। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक उड़ीसा के 4 जिलों में फैनी तूफान ने तबाही मचाई है, जिनमें कटक, खुर्दा, भुवनेश्वर और पुरी शामिल है। हम आपको फैनी तूफान के रोंगटे खड़े कर देने वाले तस्वीर दिखाते हैं। तो देखा आपने किस तरह ये फैनी तूफान का तबाही का मंजर था। भारत में सन 1999 में आए सुपर साइक्लोन के बाद ये तूफान सबसे खतरनाक माना जा रहा है। इस तूफान की वजह से पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। 25 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है तो वहीं 4 लाख लोगों को निचले इलाकों से निकाला जा चुका है। फिलहाल वक्त रहते ही सरकार ने तूफान के पहले ही लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था, जिसकी वजह से लोग सुरक्षित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को दिया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।